नमस्कार, 7C में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जोगिंदरनगर में पुलिस छापेमारी के दौरान 8 चीनी नागरिकों सहित 9 लोगों को जासूसी के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री धूमल ने घटना पर जताई गहरी चिंता। शिमला में एबीवीपी व एसएफआई के छात्रों के बीच फिर हुआ जमकर पथराव। एसएफआई के 2 दर्जन छात्रों को गंभीर चोटें आईं। सेब सीजन के पास आते देख सरकार ने शुरू की तैयारियां। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित। और नहीं रहे गजल गायकी के बेताज बादशाह मेहंदी हसन। शिमला के हजारों चाहने वालों में छाई शोक की लहर। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पुलिस ने मंडी के जोगिंदर नगर के चौतरा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान पर छापेमारी कर जासूसी के आरोप में 8 चीनी नागरिकों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर की। पुलिस ने मकान से 30 लाख रूपए नकदी के अलावा विदेशी करेंसी, कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ये मामला यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। पुलिस ने मंगलवार रात जोगिंदरनगर के चौतरा की तिब्बती कॉलोनी में एक मकान पर दबिश देकर यहां अवैध रूप से रह रहे 8 चीनी नागरिकों और मकान के एक चौकीदार को गिरफ्तार किया है। चीनी नागरिक यहां कारपेंटर का काम कर रहे थे। मध्यरात्रि तक जारी इस कार्रवाई में 30 लाख रुपए के अलावा विदेशी करेंसी, कुछ पासपोर्ट भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इनसे आधा दर्जन चीनी फोन व सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ये लोग देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां चीन को तो नहीं दे रहे थे। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में चीनी नागरिकों के चीनी जासूस होने का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। कल शाम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चौतरा जो जोगिंदरनगर ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है, वहां पे घर में कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी और कुछ सस्पिशियस पर्सन हैं। पुलिस ने वहां पे रेड करी और अराउंड 30 लाख इंडियन करेंसी सीज करी। इसी दौरान उसी घर में 8 चाइनीज नेशनल भी मिले जो कि पासपोर्ट और वीज़ा के साथ थे, लेकिन उन्होंने FRO फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी उनके अराइवल के बारे में। तो इस तरह से वो टूरिस्ट वीज़ा पे एम्प्लॉयमेंट करते पाए गए, तो वो सेक्शन 14 की वायलेशन हुई और उन 8 चाइनीज को सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर एक्ट में बुक किया गया। मकान पर छापेमारी से कुछ समय पूर्व एक महिला भी यहां से एक गाड़ी में निकली थी, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इसके अलावा इस मामले में पुलिस को मकान मालिक कैंकर रिम्पो की भी तलाश है, जो कि सिक्किम का बताया जा रहा है। वहां पे एक जो मकान का केयर टेकर था, उसको हमने वही चोरी और इनकम टैक्स वाले सेक्शंस में गिरफ्तार किया है और इन 8 चाइनीज को भी सेक्शन 14 में गिरफ्तार किया है। सामने आया है कि वो स्पाई थे। सर, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड एज येट व्हिच सजेस्ट दैट दे आर स्पाइज। अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जोगिंदरनगर, 7C हिमाचल आजकल। बड़ी गिनती में चीनी नागरिकों के पकड़े जाने को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिमाचल की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का मामला है। हिमाचल सरकार ने बार बार केंद्र सरकार को चीन से खतरे के प्रति सचेत किया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि दलाई लामा ने जान का खतरा चीनियों से बताया था, अब केंद्र सरकार को सुरक्षा की समीक्षा करने और इस खतरे से सचेत रहने की जरूरत है। आपने सही कहा कि कल एक छापा मारा गया एक जगह पे, जिला मंडी के चौतरा के पास। वहां से कोई चाइनीज़ लोग चाइनी वीज़ा के साथ गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास मोबाइल, उनके सिम्स और कुछ करेंसी पकड़ी गई है। अभी छानबीन हो रही है, क्योंकि उनके सिम्स का भी जो
इंटरप्रिटेशन के लिए नेचुरली चाइनीज लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स चाहिए, उनके माध्यम से पता लगेगा। हम लगातार इस बात को उठाते रहे कि चीन की तरफ से भारत को बहुत खतरा है और इस तरह के रिफ्यूजी के बेस में या तिब्बतियों के बेस में उनका उस स्थिति का लाभ उठाते हुए चाइनीज जासूस आने का प्रयास करते हैं। अब ये तो पता लगेगा इंक्वायरी के बाद कि क्या सचमुच में ये चाइनीज जासूस हैं, कौन है, इसकी जांच तो चल रही है। लेकिन घटना जरूर महत्वपूर्ण है और ये भी सूचना मिल रही है कि पहले शायद वहाँ ज़्यादा लोग थे, कुछ निकल जा चुके थे, कुछ वहाँ पकड़े गए हैं और उनका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आना और किसी तिब्बती के रूप में वहाँ रहना, इस सब के लिए चिंता का विषय है। हम भारत सरकार से मामला उठा रहे हैं, उनको सूचित किया गया है। राजधानी में दो छात्र गुटों के बीच पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटना के तहत गत रात को प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल में एबीवीपी व एसएफआई के छात्रों के बीच जमकर पथराव हुआ। इसमें एसएफआई के दो दर्जन छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस ने पथराव के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे एसएफआई के करीब आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय में बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल में मंगलवार रात को करीब 4 घंटे तक खूनी संघर्ष चलता रहा। आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उस हॉस्टल पर पथराव किया जहां एसएफआई के छात्र रह रहे थे। वहीं इसके विरोध में बुधवार को एसएफआई ने जिलाधीश कार्यालय से लेकर समरहिल चौक तक एक रैली निकाली। पुलिस ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एसएफआई के करीब आधा दर्जन छात्रों को गिरफ्तार भी किया। उधर एसएफआई के अध्यक्ष कपिल भारद्वाज ने पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाया कि वह एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पथराव के लिए जिम्मेवार एबीवीपी के छात्रों पर कार्रवाई करने के बजाय एसएफआई के छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के हॉस्टल के अंदर जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस लड़ाई झगड़े को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले लगभग एक हफ्ते से अंजाम देने जा रहे हैं। आप देखेंगे रात को 9:30 बजे से पथराव शुरू होता है और लगभग 1:30 बजे तक ये पथराव चलता है और सुबह दोबारा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये पथराव चलता है। और इतना सारा पत्थर इकट्ठा करने के लिए एक दिन का काम नहीं है, लगभग एक हफ्ते से ये पत्थर इकट्ठा हो रहा है। लगातार हमने पुलिस के पास भी इसकी शिकायत की है लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर जो एसपी है, एक तरफा कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर शिमला के पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर पंडित का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और हिंसा के लिए जिम्मेवार छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस सारे घटनाक्रम को बहुत शीघ्र निपटाया है और इतनी बड़ी संख्या में पथराव होने के बाद भी कोई मेजर कैजुअलिटी या ग्रीवियस हर्ट या गंभीर चोट किसी को नहीं आई है और लगभग 25 व्यक्तियों के विरुद्ध इसमें जो है वो प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें 7-8 लोगों को चोटें आई हैं जिनका डॉक्टरी परीक्षण IGMC में करवाया गया है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी शामिल। ये छात्र दोनों ही SFI और ABP की भारतीय विद्यार्थी परिषद। प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव के चलते विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल भी बिगड़ने लगा है। छात्र पुलिस की कार्रवाई को नाकाफी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंपों पर पेट्रोल व डीजल नहीं मिल रहा। तेल की सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों के पिछले 2 दिनों से हड़ताल के चलते इस कंपनी के पंप सूखे पड़ गए हैं। यही नहीं, इससे दूसरी कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर एक-एक तेल मांग बढ़ गई है जिसे पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा। तेल की ढुलाई के रेट पर कंपनी व ट्रांसपोर्टरों के बीच छिड़ी इस जंग को खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश के साथ साथ राजधानी में भी इस कंपनी के पंपों पर तेल नहीं मिल रहा। शहर में करीब 1 दर्जन पेट्रोल पंपों में से 1/3 पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के हैं। इन पंपों पर पेट्रोल व डीजल ना होने से लोग दूसरे पेट्रोल पंपों की ओर भाग रहे हैं, जहां मांग बढ़ने से तेल की कमी हो गई है। तेल ना मिलने से जहां टैक्सी चालकों को अपनी बुकिंग रद्द करनी पड़ रही है, वहीं लोगों को भी अपने वाहनों के लिए तेल नहीं मिल पा रहा है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बाइक को खींचना मुश्किल है, इतनी तेज धूप में और इसमें पैडल भी नहीं होते, इसमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या करें। अब ये कहते हैं कि मंडे तक पेट्रोल नहीं आएगा, इसका क्या सोचा। दिनों से तेल नहीं मिल रहा है, बुकिंगें सारी छोड़नी पड़ रही है और हम बहुत नुकसान हो रहा है इसका। 2 दिन से तेल की बहुत प्रॉब्लम है,
जिसके कारण हमें बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, उसे तेल नहीं मिल पा रहा है। यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमें तेल उपलब्ध किया जाए। ट्रांसपोर्टरों व कंपनी के बीच यदि गतिरोध जारी रहा तो इससे वाहन मालिकों की दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। सेब सीजन के लिए अब कुछ ही दिन और बचे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद बनी है। इसको देखते हुए सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। सेब सीजन के दौरान सड़क के रखरखाव व सेब की मंडियों तक पहुंचाने के लिए बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की। हिमाचल में सेब सीजन जुलाई महीने से शुरू हो जाएगा। जिला शिमला की कुछ सड़कों की हालत खस्ता है। ऐसे में सरकार व प्रशासन ने सेब सीजन के दौरान सड़कों व सेब ढुलाई के लिए ट्रकों का पुख्ता इंतजाम करने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। जिला शिमला बरसात के दौरान सड़कों की हालत खराब हो जाती है। सेब सीजन को लेकर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने प्रशासनिक व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बुधवार को एक बैठक बुलाई। मंडियों तक उत्पाद को पहुंचाना है, उसके लिए ट्रकों का प्रबंध, मटेरियल जो पैकिंग मटेरियल उसका प्रबंध तथा सड़कों का रखरखाव विशेष करके, तो इस पे हमने चर्चा की है और हमने सख्त हिदायत दे दी है कि किसी भी हालत में सड़कें ठीक रखी जाएंगी ताकि आवाजाही में कोई किस तरह की सुविधाएं बागवानों को ना फेस करनी पड़े। एक और इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शन दे दी है कि इसी सप्ताह के अंदर जो है वो बैठकें बुलाएंगे रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िला के अंदर, वहाँ पर SDMs और जो स्थानीय जो ट्रक ऑपरेटर्स के एसोसिएशन के लोग हैं, फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको बुला करके इस इश्यूज को जो है वहाँ चर्चा करेंगे और जहाँ जहाँ बॉटलनेक्स है उसको ठीक करेंगे। इस मौके पर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने अधिकारियों को सेब उत्पादकता वाले क्षेत्रों में दौरा करने व बागवानों की समस्या सुनने के निर्देश जारी किए। बरसात के दौरान सेब को मंडियों तक पहुंचाने में सरकार के सामने चुनौती बनी रहेगी। बरसात के दौरान सड़कों पर गहरे गड्ढे बढ़ जाते हैं जिसके कारण सेब की ढुलाई प्रभावित हो जाती है। भूपेंद्र चौहान, शिमला 7C हिमाचल आजकल। पूर्व विधायक व कांग्रेस के प्रदेश सचिव सोहनलाल ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार घोटालों की सरकार है। सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में कई अहम घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि CFL बल्ब का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है और इसके अलावा प्रदेश के गरीब लोगों की जमीनें बाहरी राज्यों के लोगों को सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमतों से जीत दर्ज करेगी। सत्ता में आए हुए 4.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया है और इन 4.5 वर्षों में प्रदेश में कोई भी बड़ी योजनाएं विकास की नहीं शुरू हो पाई। केवल मात्र वर्तमान सरकार ने उन्हीं स्कीमों का उद्घाटन किया जो पूर्व सरकार ने मंजूर की थी, जिनके ऊपर कार्य किया था, और ये सरकार अब महज एक शिलान्यासों की सरकार बन के रह गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी कुछ और खबरों के साथ।